ठीक है। तो भाई अभी तक हमने 80 क्वेश्चंस देख लिए थे, अब क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं, डीयू 2016 के पेपर की। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल, 4f ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एंगुलर मोमेंटम ठीक है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एल एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम ठीक है। अब f के लिए 4f ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 3 होती है, तो बस पुट कर दो 3 प्लस वन एच अपॉन टू पाई ठीक है, तो ये कितना आएगा 4 × 12 अंडर रूट 12 एच अपॉन टू पाई ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, 81 का आंसर क्या हो गया बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल द साइन ऑफ लोब्स इंडिकेट्स, कि जो कोई एटॉमिक ऑर्बिटल होता है तो और जो मेरी लोब्स का साइन है, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल है, इधर प्लस माइनस है, ये मैं ऐसे मान लूं, या ये दिस इज द पॉजिटिव निगेटिव, तो ये दोनों सेम ही चीज़ है, तो जो ऑर्बिटल के अंदर जो साइन होते हैं लोब के, वो वेव के साइन को इंडिकेट करते हैं। किसके साइन को इंडिकेट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। तो 82 का आंसर है सी, जो लोब्स के अंदर के साइन होते हैं वो वेव के साइन को इंडिकेट करते हैं। तो लोब्स के अंदर के साइन किसके साइन को इंडिकेट करते हैं, वेव्स के साइन को इंडिकेट करते हैं। तो 82 का आंसर क्या है, सी है। आओ 83 की बात करें, तो 83 बोलूं, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम ठीक है। देखो क्या है इसमें एनर्जी, हम सबको पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड चार्ज, एंड नंबर ऑफ ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ओके गिवन दैट्स इट ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, उसने बोला है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड वन है और फर्स्ट बोर ऑर्बिट है, मतलब एन की वैल्यू भी वन है, तो एनर्जी कितनी आ गई, ई वन कितनी आ गई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई, चलो ई वन तो इतनी आ गई ठीक है। अब उसने बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग द पॉसिबल एनर्जी फॉर एक्साइटेड स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन वोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब जब ये ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू 1 है, तो ये ग्राउंड स्टेट होगी, तो एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, तो ये कौन सी हो जाएगी, एक्साइटेड स्टेट, n की वैल्यू 2, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, -13.6 इनटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, तो ये -13.6 अपॉन 4 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो 83 का आंसर क्या हो गया, ए। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। ए पार्टिकल ऑफ मास, किसी पार्टिकल का मास कितना है भाई, m इक्वल्स टू 2.0 इंटू 10⁻²⁶ ग्राम है, ओके, इज इन वन डायमेंशनल बॉक्स, 1D बॉक्स में है, 0 टू l लेंथ, ओके, बहुत अच्छी बात है, लेंथ तो 0 टू l, l की वैल्यू मतलब कितनी है, 4 नैनोमीटर यानी 4.0 × 10⁻⁹ मीटर है, और ये 2.0 × 10⁻²⁹ किलोग्राम हो गया, अगर किलोग्राम ऐसा यूनिट्स में ले तो सब कुछ। द वेव लेंथ ऑफ द फोटोन इमिटेड व्हेन द पार्टिकल गोज फ्रॉम n इक्वल्स टू 3 टू n इक्वल्स टू 2 में, जब पार्टिकल, अगर मैं 1D बॉक्स के लिए एनर्जी की बात करूँ, तो वो होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8mL² होता है ठीक है। अगर मैं बात करूं ठीक है, अगर मैं डेल्टा ई की बात करूं ठीक है, कहां से n1 से कहां जा रहा है मेरा n2 के लिए, तो ये क्या आ जाएगा, 2n1+1h² / 8mL² ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक भी बताई होगी मैंने ठीक है। अगर मैं डेल्टा ई 2 से 3 की बात करूं ठीक है, 2 टू 3 की बात करूं, तो ये आ जाएगा 2 × 2n1+1h² / 8mL² तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, 5 × 2 = 4+5h² / 8mL² h की वैल्यू पुट कर दो, 5 × 6.6 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड अपॉन 8 मास पुट कर दो, डेट इज 2.0 × 10⁻²⁹ किलोग्राम, और
एल की वैल्यू पुट कर दो 4.0 into 10 raised to power minus 9, तो यहाँ से जो डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 0.01953 into 10 raised to the power 47 एच स्क्वायर, अगर एच की वैल्यू पुट भी नहीं करते तो एच स्क्वायर ये करके आ जाएगी। अब उसने पूछा है हमसे, क्या पूछा है, वेवलेंथ पूछी है, तो हम सबको पता है कि E इक्वल्स टू एच म्यू होता है तो एच सी वाई लैम्डा भी होता है। वेवलेंथ तो फोटोन पूछी है ना, तो एक हमको ये भी चीज पता है कि E इज इक्वल्स टू एच सी वाई लैम्डा, और एनर्जी हमारे पास है तो लैम्डा क्या हो गया, लैम्डा इज इक्वल्स टू E HCYE हो गया। तो एच सी अपॉन में E की वैल्यू जो आई है वो पुट कर दो, डेट इज 0.01953125 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 47 इंटू एच स्क्वायर, एच से एच कट गया, सारी वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2.32 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 4 मीटर। सब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। तो 84 का जो आंसर है वो है डी, डी इज द राइट आंसर। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करूँ तो पूछा गया है कि एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइट सेल व्हेन, कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइट सेल कब बन जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट सेल की तरह कब बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, जब एक्सटर्नल का पोटेंशियल या एक्सटर्नल का ईएमएफ ज़्यादा होता है ई सेल से, किसका, ई सेल से ई एक्सटर्नल जाता जाता है। भाई हमें यही तो पता है, देखो क्या होता है, दो टाइप के सेल होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक या गैल्वेनिक। तो गैल्वेनिक में हमें एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्सटर्नल बैटरी की कोई ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, एक्सटर्नल बैटरी की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, क्यों, क्योंकि जो मेरा ई सेल होता है वो ज़्यादा होता है ई एक्सटर्नल से। ये फोर गया मेरा गैल्वेनिक सेल के लिए, किसके लिए, गैल्वेनिक सेल के लिए। पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अगर मैं बात करूं उसमें हमें एक्सटर्नल सप्लाई या एक्सटर्नल सर्किट भी होता है, इंटरनल सर्किट के साथ साथ एक एक्सटर्नल बैटरी भी होती है, तो उस केस में ई एक्सटर्नल ज़्यादा होता है ई सेल से। दिस इज द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तभी ये कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करता है। तो 85 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ठीक है। आओ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट करेक्ट, द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। भाई ये यूबी से क्वेश्चन है, नेक्स्ट यूबी या बोलूं बीएल लैम्बर्ट लॉ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 86 में क्या कह रहा है वो कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट करेक्ट, द सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग, ठीक है। तो पहला तो ए ऑप्शन में तो भैया वो दिया है एब्जॉर्बेंस लॉग आई नॉट बाई आई, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, एब्जॉर्बेंस लॉग आई नॉट बाई आई होती है, आई नॉट इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट और आई फाइनल, ठीक है। दूसरे में भी होता है क्यू, क्या पूछा है, रिड्यूस्ड मास m1 m2 अपॉन अंडर रूट m1 प्लस m2, बिल्कुल सही बात है। चलो सी, वेव नंबर इज क्या है, 1/2πc अंडर रूट म्यू वाई के लिखा है, ठीक है, अंडर रूट 2πc म्यू वाई के, ठीक है। वेव नंबर किसके बोला है, वेव नंबर इज 1/2πc म्यू वाई के, ये भी करेक्ट है, नॉट करेक्ट इस ये बात भी तो करेक्ट, सॉरी दैट इज के वाई म्यू होता है ना, ये नॉट करेक्ट है, सी इज इक्वल टू म्यू म्यू आर इज इक्वल टू 1/2πc अंडर रूट के वाई म्यू होता है, दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन,
ये एक इनकरेक्ट एक्सप्रेशन है, म्यू बाई के लिखा है ना, के बाई म्यू इज द करेक्ट, दिस इज करेक्ट होता है और ये क्या है, इनकरेक्ट है। और उसने हमसे इनकरेक्ट ऑप्शन ही पूछा है, तो वो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, सी 86 का कौन सा हो गया, सी हो गया। और फोर्थ तो ई वी पूछी है, वाइब्रेशनल एनर्जी दैट इज बी प्लस हाफ एच म्यू, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते थे ई एन एन प्लस हाफ एच म्यू, ठीक है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है डी। तो सी इनकरेक्ट है क्योंकि ये अंडर रूट के बाई म्यू होता है ना कि म्यू बाई के होता है, ठीक है। बात करते हैं 87 की, क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन अबाउट लॉगरिथम इज नॉट इनकरेक्ट, बेसिकली मैथमेटिक, बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, बोला है कि एक कौन सा इनकरेक्ट है, लॉग 2 की पावर 2n को क्या हम n log 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही लिख सकते हैं, देखो log 2 की पावर 2 इंटू n, तो इसे log 2 इंटू 2, इसको 2 की पावर 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4, क्योंकि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, log 2 का स्क्वायर भी लिखते हैं, तो इसको क्या लिख देंगे 4, और 4 की पावर n, तो log n की पावर n को हम n log m भी लिख देते हैं, ठीक है, तो इसको हम n log 4 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। b की बात पूछते हैं, log m plus n को हम किसको लिखते हैं, log m plus n को क्या log m plus log n लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते, log m plus log n जो इक्वल होता है वो log m n के इक्वल होता है, ठीक है, तो b इनकरेक्ट है, और b इनकरेक्ट ऑप्शन ही पूछा है, तो 87 का आंसर b है। बाकी देखूं, log m by n दैट इज इक्वल टू log m माइनस log n, ये भी log की प्रॉपर्टी होती है, और log 1000 is equals to 3, log 10 raised to the power 3 हो जाएगा, 1000 equals to 3, यानी 3 log 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, 3 into 1, यानी ये 3 नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, B, तो 87 का आंसर क्या हो गया, B। आओ 88 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एक्सरे, एक्सरे के बारे में हर चीज में नॉट ट्रू पूछा भाई, क्वेश्चन पेपर देते टाइम ध्यान से पढ़ लें क्वेश्चन की, नॉट ट्रू पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, क्या पूछा है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे यहाँ ही कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप लोगों को तो एग्जाम में तो बहुत प्रेशर होता है, ठीक है, तो एक्सरे के बारे में क्या ट्रू नहीं है, ठीक है, दीज रेडिएशन कैन आयनाइज गैसेस, बिल्कुल आयनाइज गैस को आयनाइज ही करती है, क्योंकि ये आउटर मोस्ट कोर इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस होता है, अगर इसका कोर इलेक्ट्रॉन है तो उसको बाहर कर देती हैं, तो मतलब आयनाइज ही कर देती हैं, इलेक्ट्रॉन निकालती हैं। इट कॉज ZnS टू फ्लोरेंस, बिल्कुल सही बात है, फ्लोरेसेंस, ZnS का जो जिंक सल्फाइड में फ्लोरेसेंस होता है वो एक्सरे की वजह से होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दीज आर डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, नहीं गलत बात है भाई, एक्सरे कांट बी डिफ्लेक्ट बाई, कांट बी डिफ्लेक्ट बाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, मैग्नेटिक एक्सरे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, तभी वो चार्ज कैरियर, क्योंकि वो कोई चार्ज कैरियर मटेरियल कैरी नहीं करती, जब तक चार्ज मटेरियल कैरी नहीं करेंगी तब तक कैसे डिफ्लेक्ट होगी, तो रेडिएशन है तो डिफ्लेक्ट नहीं होती, तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी 88 का ऑप्शन क्या हो गया, सी है। वेवलेंथ शॉर्टर देन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, हाँ वो तो मुझे ये बता देगा, राजा महाराजा इन वार अंडर एक्स्ट्रा गार्ड, यही बता देगा कि जो ये इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर है और डिक्रीजिंग वेवलेंथ का ऑर्डर है, तो एक्सरे की वेवलेंथ क्या अल्ट्रावायलेट से क्या होती है, शॉर्टर होती है, बिल्कुल शॉर्टर ही होती है, क्योंकि डिक्रीजिंग वेवलेंथ है तो शॉर्टर ही होगी। आओ क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। Which of the following statement is not correct for the order of a reaction? अच्छा, order of reaction के लिए कौन सा statement correct नहीं है? बात करते हैं, ठीक है। The order of a reaction is the sum of coefficient of a reactants in a balanced chemical equation. वो बोल रहा है कि कोई reaction है A plus B giving AB. तो जो मेरा rate हो, अगर मैं लिखूँ K, तो इसकी स्टोशियोमेट्री वन है, इसकी स्टोशियोमेट्री वन है, मतलब रिएक्टेंट की न्यूमेरिक स्टोशियोमेट्री वन है, तो वो बोल रहा है कि जो रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो एन, इन दोनों का सम होता है क्या हमेशा? नहीं भाई, हमेशा नहीं होता, ऐसा सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन में होता है, ओनली ट्रू फॉर ए, ओनली ट्रू फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, जहाँ
स्टोइकोमेट्री क्या होती है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को डिफाइन कर देती है, ठीक है। तो ए ही इनकरेक्ट है इसमें, तो 89 का ऑप्शन क्या हो गया, ए। बाकी द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी, बिल्कुल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट लॉ से ही डिफाइंड होता है, ए के की पावर एन एन, और ये एक्सपेरिमेंटली ही डिफाइंड होता है, इसीलिए इसको एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ भी बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शन, बिल्कुल हाफ ऑर्डर, 3/2 ऑर्डर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कैन बी जीरो, हाँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी होती है, बिल्कुल होती है, एन इक्वल टू जीरो भी होता है, सही बात है, ठीक है। बाकी सब बात ट्रू है, इनकरेक्ट बात ए है, तो 89 का आंसर ए हो गया। आओ बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 90। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2016, क्वेश्चन नंबर 90 पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वेव नंबर ऑफ रेडिएशन लाइंग इन विजिबल रीजन, मतलब ये वेव नंबर गिवन है, वेव नंबर, ठीक है, वेव नंबर गिवन है सेंटीमीटर इनवर्स में, तो इसमें पूछा है कि कौन सा वेव नंबर की रेडिएशन विजिबल रीजन में लाई करेगी। तो विजिबल रीजन जो होता है, विजिबल रीजन की अगर मैं लैम्डा वेव लेंथ की बात करूँ, वो होती है 400 से 800 नैनोमीटर। अब जिसका लैम्डा 400 से 800 नैनोमीटर के रेंज में आ जाएगा, वो वेव नंबर क्या, वो मेरे रेडिएशन विजिबल रीजन में लाई करेगी। अब वेव नंबर और लैम्डा में रिलेशन हो जाए, वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, या बोल दूं ये 1/λ के इक्वल होता है, तो लैम्डा क्या हो गया, 1/वेव नंबर हो गया। तो बस हर एक ऑप्शन की वैल्यू पुट कर करके देख लो, लैम्डा इज इक्वल टू 1/ पहले की बात करूँ तो 2×10^4, ठीक है, नीचे सेंटीमीटर इनवर्स था, तो लैम्डा इक्वल टू 1/2×10^4 सेंटीमीटर हो गया। अब लैम्डा इक्वल टू 2×10^-4 सेंटीमीटर हो गया, लैम्डा इक्वल टू 0.5×10^-4 सेंटीमीटर हो गया। इसको लिख सकता हूँ, देखो 0.5 को मतलब 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 10^3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 10^3 से नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या बचा ऊपर, लैम्डा इक्वल टू 0.5, ठीक है, और इंटू 10^3, तो मतलब 500/, नीचे 10^3 है तो ऊपर जाके 10^-3 हो जाएगा, तो डेट इज़ 10^-7 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू 500×10^-9 मीटर, और लैम्डा को लिख सकते हैं 500 नैनोमीटर। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया, 90 का ऑप्शन ए करेक्ट है। आओ यूनिट कन्वर्जन सीख लेते हैं, ये बेसिकली लैम्डा एमला का सीख लेते हैं, कंफ्यूज ना हो तो, ठीक है। देखो हमको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 मीटर, यानी 1 मीटर इक्वल टू 10^9 नैनोमीटर, इसे ऐसे ही बोल सकते हैं। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10^9 नैनोमीटर, ठीक है। अगर मैं बात करूं 1 सेंटीमीटर की, तो ठीक आ जाएगा 10^7 नैनोमीटर। अगर मैं इसको रिवर्स करूं तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां भी कर सकते थे, जैसे 10^-7 सेंटीमीटर आया था ना, तो इसको भी हम नैनोमीटर लिख सकते थे, और यहां से भी पता चल जाता है लैम्डा इज इक्वल टू 500 नैनोमीटर, और यही विजिबल रीजन 400 से 800 के रेंज में लाई कर रहा है, तो ये विजिबल रीजन में लाई कर रहा है। तो 90 का आंसर ए है। थैंक यू सो मच, यहाँ आपके प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन खत्म होते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।